सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी चाट, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा ले लिया है, थोड़ी सी अजवाइन, नमक, कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, में एक चाय का चम्मच के करीब इसमें ऐड करूंगी। अजवाइन में हाफ टी स्पून के करीब ऐड करूंगी। इसे हम थोड़ा सा इसे क्रश कर कर डालेंगे ताकि हमारे पापड़ी में एक अच्छा सा फ्लेवर आए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 50 ग्राम के करीब। मैंने चाहे तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं या कुकिंग ऑयल, जो भी आप लेना चाह रहे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए, अजवाइन, नमक और तेल को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। आपको बताऊंगी, ये देखिए इस तरीके से हम इसे दबाएंगे तो इस तरीके से बनना चाहिए। अगर आपको नहीं बना तो आप इसमें और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम साइज़ का डो तैयार करूंगी। ये देखिए, मीडियम तरीके से मैंने डो को बनाकर रख लिया है। इसे 10 से 12 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे। ये देखिए, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। मैंने इसे थोड़ा सा मालिश भी कर लिया है। अब हम इसे बेलेंगे। ये देखिए, आटे में से हम दो भाग कर लेंगे। आधे की हम पहले बेल लेंगे, फिर उसके बाद आधे को हम अच्छे से ढककर रखकर उसको भी अच्छे से बना लेंगे। ये देखिए, एक पोर्शन मैंने ले लिया है, एक पोर्शन में ढककर रख दूंगी। इस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे और इसकी एक बड़ी सी लोई इस पे रख लेंगे। इसके बाद हम इसे बेल लेंगे। जितनी ज़रूरत है उतना ही आटा लगाइए। इस तरीक़े से हम अच्छे से एक बड़ी सी से बेल लेंगे, बड़ी सी रोटी। ये देखिए, अच्छे से मैंने पूरे जितना भी पत्थर का साइज है उस हिसाब से इसे बेल लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप कोई भी तेज़ वाली चीज़ से इसे कट कर सकते हैं। इस तरीक़े से इसको राउंड राउंड कट करेंगे हम। ये देखिए, इस तरीक़े से हम अच्छे से इसको पूरे राउंड इस तरीक़े से हम अच्छे से दबाते हुए, ये देखिए इस तरीक़े से हम निकाल लेंगे पूरे। ये राउंड राउंड जितने भी हैं हमारे, इस तरीक़े से हम हटा लेंगे। ये देखिए, इस तरीक़े से मैंने कट कर लिया है। इसे अब हम फोक की मदद से इस तरीक़े से इसे भी, ताकि ये पापड़ी बने पूरी नहीं, इस तरीक़े से हम पूरे हमारे पापड़ी पर इस तरीक़े से इसे तेल को मैंने गरम होने के लिए गैस ऑन कर कर रख लिया था। मैंने पैन में तेल चढ़ा लिया है। अब हम इसमें एक छोटा सा टुकड़ा डालकर देखेंगे तेल हमारा गरम हुआ या नहीं। ये देखिए, तेल हमारा मीडियम तरीके से गरम हो चुका है। गैस का फ्लेम आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रख कर तलिए। अब हम इसमें डालेंगे, जितने भी पैन में आते हैं उस हिसाब से आप ऐड कीजिए। मीडियम रखकर तलेंगे तो ही पापड़ी हमारी सही तले जाएगी, वरना जल्दी से कलर आ जाएगा और इसे उठाते पलटाते हम अच्छे से ब्राउन कलर की होने तक इसे तलेंगे। ये देखिए, कितना सा प्यारा कलर आ चुका है हमारी पापड़ी का। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने एक बैच कंप्लीट कर लिया है। ये दूसरा बैच, आप इस तरीके से पूरी पापड़ी को हम तल कर रख लेंगे।
मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे उलटाते पलटाते हुए तलेंगे। पापड़ी हमने बनाकर तैयार कर ली है, इसे आप रमज़ान में एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। पहले हमें पापड़ी जब भी आपको फुर्सत है बनाकर रख लीजिए, 15 से 20 दिन तक ये पापड़ी अच्छे से रहती है। एयरटाइट कंटेनर या डब्बा जिसमें भी आप डाल कर रखना चाह रहे हैं इसे डाल कर रख लीजिए। जब आप रोज़ा खोलते हैं उसी टाइम इसे लीजिए, जिस भी चीज़ इसके ऊपर आप डालना चाह रहे हैं वो चीज़ डालिए और इंजॉय कीजिए। ये देखिए पापड़ी हमारी हमने तल कर रख ली थी, अब हम इसकी चाट बनाएंगे। अब मैं इस पर थोड़ी सी खारी बूंदी ऐड करेंगे जो आपको मिठाई की दुकान पर मिल जाएगी। आप इसके ऊपर चने जो भी आपको पसंद है वो इस पर आप रख सकते हैं, देसी चने, काबेरी चने, जो भी आपको पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। खारी बूंदी को हमने डाल लिया, अब इस पर हम थोड़ी सी फली भी ऐड करेंगे, तली हुई। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, चने, बटाने, जो भी आपको पसंद है, बस चाट हमारी चटपटी सी लगनी चाहिए। इस तरीक़े से मैं पूरे उस पर मैं तली हुई फली ऐड कर लूँगी। अब हम इस पर थोड़ी सी हरी चटनी भी ऐड करेंगे। हरी चटनी और मीठी चटनी का वीडियो मेरे चैनल पर है, आप उसको देखकर बना सकते हैं। थोड़ी सी हम हरी चटनी इस पर ऐड करेंगे। इस पर हम दही भी ऐड करेंगे। दही मैंने इसमें 2 टेबल स्पून से बड़े चम्मच से ले लिया है। इसमें थोड़ी सी शक्कर भी मैंने ऐड की, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। इस तरीक़े से हम पूरी चाट पर थोड़ी थोड़ी सी दही भी ऐड करेंगे। दही डालने के बाद हम इसमें मीठी चटनी ऐड करेंगे। आप इस पर चाहे तो उबला हुआ आलू भी ऐड कर सकते हैं छोटे टुकड़े कर कर। इस पर मीठी चटनी डालने के बाद हम इस पर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इस पर चाट मसाला भी, इसके पाउडर डालेंगे। इस पर हम बारीक वाली शौ भी ऐड करेंगे। ये चीज़ें आपको बिल्कुल जो मिठाई की दुकान है वहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। शौ ऐड करने के बाद हम इस पे अनार के दाने भी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे लगे। ये देखिए कंप्लीट हमारी चाट पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस रमज़ान में इसे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सिर्फ हमें पापड़ी ही तलने की मेहनत है, उसके बाद आप जो भी चीज़ चने बटाने जो भी चाह रहे हैं आप उस पर ऐड करना, उसे उबाल कर डाल सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।